कोई फंसने फंसाने की बात नहीं, क्योंकि आपने कहा था कि यहाँ की विधा बता दीजिए, आपका सवाल है, मैंने उसका जवाब आगे बढ़ा दिया है, अब आप उधर से आगे बढ़ा करके लाएंगी तभी तो लड़ाई में मजा आएगा। ये सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल। अब आइए, मेरी ओर से एक गीत है, नहीं था कि मुझे ललन की पड़ी, तुझे भजन की पड़ी जवानी। मैं ये गीत अपनी ओर से प्रयास कर रहा हूं, आप सभी के चरणों में सर रख करके निवेदन है, तेरी भावना में भावना तो फिर भावना बेकार है, और यदि भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार। यदि उच्च वर्ण के ही नाम होते भगवान, यदि उच्च वर्ण के ही नाम होते भगवान तो उच्च वंशी रावण से पैर नहीं ढोते, उच्च वंशी रावण से पैर नहीं ढोते, उच्च वंशी रावण से पैर नहीं ढोते। यदि उच्च वर्ण के ही नाम होते भगवान तो उच्च वंशी रावण से पैर नहीं ढोते, हित की ये काम होते भगवान तो पूछ के प्रहलाद की वो खैर नहीं रोते, पूछ के प्रहलाद की वो खैर नहीं रोते, पूछ के प्रहलाद की वो खैर नहीं रोते। मेरा कोई चैलेंज नहीं है, लेकिन मैं चार पंक्तियां दे रहा हूं और मैं चाहूंगा कि इन चार पंक्तियों का जवाब उधर से आए। पहली पंक्ति है मेरी, यदि उच्च वर्ण के ही नाम होते भगवान तो उच्च वंशी रावण से बैर नहीं ढोते, और देवों के ही हित की ये काम होते भगवान तो पूछ के प्रहलाद की वो खैर नहीं रोते, केवल जो स्वार्थ के धाम होते भगवान तो कंस जैसे अपने भी गैर नहीं होते, कंस जैसे अपने भी गैर नहीं होते, कंस जैसे अपने भी गैर नहीं होते, कंस जैसे अपने भी गैर नहीं होते। और अब मैं भी चाहूंगा, क्योंकि बहन ने भी कहा था, मैं भी कहूंगा अगर पंक्ति अच्छी लग जाए तो तालियां। उच्च वंशी रावण से बैर नहीं ढोते, कंस जैसे अपने वो गैर नहीं होते, और यदि पैसे वालों के गुलाम होते भगवान तो
निर्धन सुदामा के पैर नहीं धोते। भोग छप्पन भी ठुकराए भावना हो तो, भोग छप्पन भी ठुकराए भावना हो तो, भोग छप्पन भी से तुलसी तल पाए भावना हो तो, प्रेम से तुलसी तल पाए भावना हो तो, प्रेम से तुलसी तल पाए भावना हो तो, तो भाव तिल के मिलाओ। ये 100 रुपए श्री भोले बाबा डेरी ठाकुर यदुवंत सिंह कानापुर वाले दे रहे हैं, धन्यवाद। तो भाव दिल के मिलाओ, हाथ ले ले के खिलाओ, भाव दिल के मिलाओ, हाथ ले ले के खिलाओ, भाव दिल के मिलाओ, हाथ ले ले के खिलाओ, भाव दिल के मिलाओ, हाथ ले ले के खिलाओ। हो भाव पितुरानी जैसे, हो भाव पितुरानी जैसे, तो छिलके केले के खिलाओ, भाव पितुरानी जैसे, छिलके केले के खिलाओ, भाव पितुरानी जैसे, छिलके केले के खिलाओ। बड़े भैया गौरव जी, ना मिठाई से साल की मुझे सबसे प्रिय अपनी ये पंक्ति लगती है। अगर अच्छी लग जाए तो मैं आप सभी से तालियां चाहूंगा भगवान के लिए। ना मिठाई से न मेवा के लगे ढेरों से, प्रभु खुश हो जाते भिलनी के झूठे बेरों से। अब आइए दूसरा बंद कह रहा है, सिक्के चांदी के चढ़ाओ तो फिरे माखन से। बड़े भैया माखन से आवाज आती है जब चढ़ाने वाले चढ़ाते हैं। सिक्के चांदी के चढ़ाओ तो फिरे माखन से, पर रीज जाता को प्रणाम करके ऐलान कह रहा हूं, इतना महान है हमारा कन्हैया। खिचड़ी छाटी वो खाए, कड़ी चाटी वो खाए, अब ताली रोक सको तो रोक लेना। खिचड़ी छाटी वो खाए, कड़ी चाटी वो खाए, और कुछ ना मिले तो ब्रज की माटी। और कुछ ना के
से सुनेंगे। कच्चे चावल वो सुदामा के खूब खाए हैं, कच्चे चावल वो सुदामा के खूब खाए, कच्चे चावल वो सुदामा के खूब खाए। और पथुआ नरसी का, पथुआ नरसी का मंदिर में, इस लाइन पे ध्यान देना, लगा लो मन मंदिर में या मन को मंदिर बना लो, लगा लो मन मंदिर में या मन को मंदिर बना लो, लगा लो मन मंदिर में या मन को मंदिर बना लो। आएंगे लाला रामवीर मन की टेरों से, ये रसिया नहीं है जवाबी। और क्या पाकिस्तान भैया चाटी बढ़ा दे हर किसी, पाकिस्तान का कभी मूछे नहीं जमती, ध्यान रखना। गीत आया आपका, ढोलक की चाटी देखने भैया थोड़ी सी के मेरे दीवाने को इतना ना सताओ लोगों, मजबूर है ये गमों से चूर है ये, खुदा का खौफ खाओ बहुत मजबूर है ये। तो क्यों चले आए हो, क्यों चले आए हो बेबस पे रहम ढा, क्यों चले आए हो बेबस पे सितम धाने को, कोई पत्थर से ये भी है गाने में, ये भी है, ये है गाना बजाना, चिल्लाना अलग चीज, गाना बजाना अलग। क्यों चले आए हो बेबस पे सितम धाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने, मेरा इतना बड़ा गीत आपने इतनी जल्दी पूरा किया। और क्या रामवीर भैया, और क्या, तमाम सवैया बोलते हैं ना उसको, ये जवाबी है, बस यही जवाबी है, यही जवाबी है। आपके यहाँ बस ऐसी जवाबी होती है, राम 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 राम, यही जवाबी। इतना बड़ा गीत जिसमें तीन अंतरे अलग अलग, कम से कम आठ आठ लाइनें उसमें लगी हैं, और आपने केवल इतने से काम चला दिया कि तुझे ललन की पड़ी हमें भजन की पड़ी, बस मिला लीजिए, हमारे यहाँ ऐसी जवाबी नहीं होती। यहाँ भी अब आपके गीत का जवाब दे रही हूँ, जैसा आप चल रहे हैं वैसा चलना पड़ेगा। बढ़िया बढ़िया लाइनें आपने जोड़ी हैं कि भगवान भाव के भूखे होते हैं, और ये सत्य है कि कहीं जूठे बेर खा रहे हैं, कहीं सुदामा को अमीर बना रहे हैं, कहीं कहीं क्या कर रहे हैं, भगवान कृष्ण की लीलाएं हैं ये सब, तो मुझे क्या मिला। ये बात वही, आपने त्रेता द्वापर दोनों ले लिया है, यानी राम और कृष्ण दोनों को मिला दिया है, तो मैं प्रयास कर रही हूँ। यही भगवान प्रभु को पा जाते हैं कर कामना हो,
बोलना चाहिए। घेरों में ऐसे जोड़ा है, घेरों से बेरों से तो वैसा ही जोड़ना पड़ेगा। देखिए मिलाने का प्रयास कर रही हूँ। कैसे के प्रभु को पा जाते हैं कर कामना हो तो मुक्ति मिल जाती है, कर प्रभु से सामना हो तो। और यही भगवान देखे भाव भाव में बंध जाते हैं तो कैसे, कैसे? जटायु गोद उठाए, जटायु जैसा भी कोई नहीं मिलेगा। अगर शबरी जैसा नहीं मिलेगा तो जटायु जैसा भी नहीं मिलेगा। जिसको भगवान स्वयं गोद में लेकर रो रहे हैं ऐसा भाग्य किसका होगा। तो जटायु गोद उठाए और अहिल्या की तरफ देखें तो शिला नारी बनाए, जटायु गोद उठाए शिला नारी बनाए, चरण धोता जो केवट के चरण धोता जो केवट तो पूरे कुल को तराए। केवट धो रहा है लेकिन पूरा कुल तर रहा है तो लिखना पड़ा के चरण धोता जो केवट तो पूरे कुल को तराए, प्रभु का प्रेम भगवान कभी ऊंचा नीचा नहीं देखते, भगवान केवल आपके भाव आपके प्रेम को देखते हैं। तो देखिए वो नारी जो पत्थर की शिला पड़ी बनी है और भगवान राम की बाट जो रही है, मैंने उसके लिए सोचा कि प्रभु का प्रेम बराबर है अपने गैरों से, चाहे अपने हो चाहे गैर हो, प्रभु का प्रेम बराबर अपने चाहे गैरों से, तो मुक्ति मिल जाती है बस प्रभु के पावन पैरों से। भगवान के पावन चरण की रज, वही पावन चरण की रज जिसके लिए केवट भी इंतजार कर रहा है। आपके गीत में दे शबरी के बेर खाने की बात हो रही है, जैसे विदुरानी के छिलके खाने की बात हो रही है, वैसे वो अहिल्या वहाँ भी चरण रच का इंतजार हो रहा है और यहाँ केवट भी उनके पैर धोने के लिए ही खड़ा है। प्रभु का प्रेम बराबर अपने या गैरों से, तो मुक्ति मिल जाती है बस प्रभु के पावन पैरों। एक पंक्ति और जोड़ रही हूँ। ये भगवान ऐसे हैं, अगर आपके अंदर भक्ति जाग जाए तो आपकी मुक्ति निश्चित है। देखिए कैसे, कैसे? सफल भक्ति है कर मन में वेदना हो तो, कहते हैं अगर मन में वेदना है आपके मन में करुण पुकार है तो भगवान जरूर आते हैं। और किस रूप में आ जाए ऐसा नहीं कि तभी आते हैं, आज भी आते हैं, बस बुलाने की शक्ति हम में सुदामा केवट शबरी जैसी होनी चाहिए तब भगवान चले आते हैं। तो सफल भक्ति है कर मन में वेदना हो तो, भले अनपढ़ हो पढ़े चाहे वेदना हो तो, भगवान के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, भगवान के लिए तो श्रद्धा जरूरी है। ये तो सारथी भी बन जाए, यही 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 भगवान
के सारथी भी बन जाए, स्वयं रथ को चलाए, भटके अर्जुन जो रण में, भटके अर्जुन जो रण में, तो उन्हें गीता सुनाए। और बस गीता के ज्ञान मिलने से ही ना डरे अर्जुन, ना डरे अर्जुन कौरव से, वीर शेरों से, क्योंकि वो भी कन्हैया के चरण में चले गए, तो मुक्ति मिल जाती है बस प्रभु के पावन पैरों।